कटनी के विख्यात मैनपुरी में भी अपराध बढ़ रहे हैं। जी हां, मैनपुरी में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। यहां दादा तथा विवाहिता नातिन की हत्या से मोहल्ला दहल गया है। जी हां, मामला बुधवार देर रात का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार सुबह दोनों के शव घर के अंदर पड़े मिले। सूचना पर पहुंचे एसपी ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर जांच की। वारदात का शक नातिन के पति पर है। थाना कुरावली के गांव नौरंगपुर निवासी रामचंद्र शाक्य ने अपनी नातिन सोनी की शादी 4 वर्ष पूर्व संतोष कुमार निवासी नगलों में थाना दशरथपुर जनपद एटा के साथ की थी। जी हां, पति से अनबन के बाद सोनी पिछले 4 महीने से अपने दादा के साथ रह रही थी। बृहस्पतिवार सुबह रामचंद्र के घर का दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोस में रहने वाला उनका भतीजा साहब सिंह उनके घर पहुंचा तो उनका शव घर के बरामदे में पड़ा मिला। पास में ही चारपाई पर सोनी का शव अर्ध नग्न हालत में पड़ा था। जानकारी पर ग्रामीण और एसपी अजय शंकर राय, एएसपी ओम प्रकाश सिंह मौके पर पहुंच गए। जी हां, एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। मृतक के भतीजे साहब सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं पोस्टमार्टम के साथ ही स्लाइड भी बनाई गई है। पुलिस ने गांव के ही 4 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ सुराग भी मिले हैं, इन पर काम किया जा रहा है और जल्द ही हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? आप इस गाँव के प्रधान है? अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, ये कैसे क्या हुआ पूरा मामला, कौन किस किस की मौत हुई है? नातिन जी। अच्छा, ये नातिन क्या शादी शुदा थी? कहाँ इनकी शादी हुई थी? ये किस थाने में पड़ता था? ये शायद जसतपुर में। अच्छा, यहाँ कब से रह रही थी वो? ये मेरे को नहीं मालूम है, लगभग 1 महीना पहले मैंने देखा था। अच्छा, बाबा और नातिन के अलावा इस परिवार में कोई रहता है? कोई नहीं। और सब लोग कहाँ चले गए, कोई था या नहीं? कोई नहीं, केवल दोनों लोग रहते थे यहाँ पे। अच्छा, इसकी जानकारी आपको कब मिली? मुझे लगभग 7:30-8 बजे लगी। क्या जानकारी मिली? दो लोगों की बात हो गई। मनोज जी, ये जो ना मृतका है और जो मृतक है वो कौन लगते थे आपके? मेरे चाचा लगते थे और मेरी भतीजी। अच्छा, ये बताइए, ये जो ना जो आपके चाचा थे, इन्होंने किस कब से गुड़िया को पाला और कैसे पाला, क्या हुआ था ऐसा? इनकी माँ चली गई थी, बहुत छोटे से थे ये जी, तब से पाल रहे हैं। इन्होंने ही पाला? इन्होंने ही पाला। कितनी गुड़िया थी इनकी? आती तो 4-5, लेकिन 2-3 मर चुकी थी। अच्छा, दो ही रह गई थी। तो बाबा ने पाला? बाबा ने पाला। उसके बाद में पहली लड़की कहाँ है? पहली लड़की वो चली गई थी। अच्छा, यहाँ घर से चली गई थी। अच्छा, उसके बाद में? उसके बाद में इस लड़की की शादी कर दी। कहाँ पे? ये नदी पार है, हमें गांव भी नहीं पता है, हमसे बोलते ही नहीं थे ये। तो वहाँ पे शादी कर दी। अभी ये लड़की यहाँ कितने दिनों से रहती थी? लगभग 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना यहीं पे रह रही थी? हाँ, यहीं रह रही। क्या पति बुलाने नहीं आता था? पति बुलाने आता था, लड़ाई भी आपस में होती थी, ये भेज नहीं रही थी। अच्छा, तो क्या क्या चरित्र था लड़की का? लड़की का ये था, ये दारू लड़का पीता है ज़्यादा, इसलिए डोकर भेज नहीं रहे थे। अच्छा, लड़का था तो यहीं रहती थी। आज वो नग्न अवस्था में यहाँ पे मिली है, आप को जानकारी है इसकी? नहीं, हमें नहीं पता है, हम तो रिश्तेदारी में तभी आए लोग। अच्छा, तो ये भी नहीं मालूम होगा कि कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ? नहीं, मेरे कुछ नहीं। तो बचपन से पाला था? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जो ना ये मृतक जो है इनके परिवार के ही है? हाँ जी, मैं उनकी चाची बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए चाची, ये कैसे क्या हुआ था, क्या सुना था आपने ये इनके जो ना? मैं भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो घर पे थे। हाँ। तो मेरे को किसी लेडीज निकल के गई, वो बड़ी बोल रही थी कि नंगी पड़े सोनिया के बाबा और ताऊ। हाँ। तो मैं उसे चाय पी रहा था, मैं चाय छोड़ के मैं चले आया, देखा तो यहाँ चारपाई पे वो ब्लाउज खुला पड़ा था। मैंने कोशिश भी करी लगा दूं, सब लोगों ने मना किया कि आप ऐसे मत करो, तो मैंने नहीं छुआ। फिर वहाँ खड़े मैं देखते रही। अच्छा, तो दोनों मृत पाए गए थे? दोनों मर रहे थे? हाँ, वो उस समय दोनों मरे पड़े थे, क्योंकि अच्छा। हम लोग तब तक गांव के बहुत लोग आ चुके थे। अच्छा, सोनी कहाँ पे थी? चारपाई पे थी? हाँ, सोनी चारपाई थे। हाँ। और बाबा के पास चूल्हा बना था, वहीं हाथ में बैटरी लिए। हाँ। वहीं वो पिटभरा पड़े थे। अच्छा, मुंह के बल पड़े हुए थे? हाँ, पिटभरा पड़े थे। अच्छा, तो क्या सिर पे चोट लगी हुई थी उनके? हाँ, सिर पे जान कुछ लोग बता रहे हैं सिर फूटा हुआ है, पुलिस वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा, ठीक। हाँ, ऐसे कुछ बताइए।
माता जी, आज रामचंद्र की हत्या कर दी गई है और इनके परिवार में कोई रहता कि नहीं रहता? कोई ना तो आज। अच्छा, इनका परिवार में कौन थे पहले और अब कोई क्यों नहीं है, क्या मामला है पूरा? लड़का तो मच चुको है। हाँ। लड़का मच चुको उनको, और लड़की एक चली गई और एक लड़की जा शादी कर दी। अच्छा, एक लड़की पहले वाली लड़की भाग चली गई, भाग गई थी क्या? हाँ, हाँ, हाँ। किसी के साथ में? अब पता ना किन के साथ भाई तो चली गई। हाँ, फिर दिल्ली है। अच्छा, कट हुए। हाँ। और जब लड़की की शादी कर दी, जब महीना छः महीना तो यहीं रह रही थी। अच्छा, तो इस लड़की की शादी कहाँ हुई थी मालूम है, कोई जानकारी है? अच्छा, उमेर नगर। अच्छा, ये कहाँ? अली एटा में पड़ता है। अच्छा, तो फिर शादी कर दी, अभी छः महीने से ही रहती थी? हाँ, माना छः महीना था, रोकन ना मतलब रोटी पानी हमारे पठाऊ ना है तो। अच्छा, कोई हतो ना था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या और लोगों का भी आना जाना होता था? वो हम लल्ला ना जान पात भैया, हम तो अपन हमारा बंद घर है, हम वो ना जाने। अच्छा अच्छा, तो ये क्या इन जो ना जो मृतक हैं, इन्होंने इस लड़की को छोटे से पाला था क्या? बाबा ने। हाँ, बाबा ने पाला था। कितनी उम्र की थी जब माँ चली गई थी इनकी? जो नहीं, लगभग क्या उम्र होगी, दो तीन साल की? पाँच छः साल की हुई। अच्छा, बाबा हम तो लया इतना था। अच्छा, नन था बाबा लया, तो बाबा ही ने पाले, दोनों लड़कियों को पाला था। ठीक है, आज उनकी मौत हो गई है। नौरंग गांव में दो लोगों की हत्या हुई है, पूरा मामला क्या है? गाँव है नौरंगपुर, सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं रामचंद्र और उनकी पोती सोनी, उनकी जो है हत्या कर दी गई है। इस सूचना हम लोग पहुँचे थे, जिस मकान में हत्या हुई है वो चौथा मकान खुला हुआ है। बाहर आंगन में बाबा सो रहे थे और बरांडे में उनकी नातिन सो रही थी। रामचंद्र जी को सिर में चोट मारी गई है, हेड इंजरी है उनको, और लड़की का गला दबाया गया है। यहाँ पर पंचायत में प्रभारी कार्रवाई चल रही है और एक चाचा आ गए हैं लड़की के, उससे तहरीर लेकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, प्राथमिक अगर देखा जाए तो हत्या की क्या वजह रही हो अब तक? अभी तफ्तीश का विषय है, अभी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, अभी धीरे धीरे इसमें बातचीत होगी, हत्याकांड निकल के आ जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।